बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आकाश यासीन और आप देख रहे हैं एशिया टुडे न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबसे पहले आलमी दुनिया से खबर देंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा है। इस ज़मन में मूडीज इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी बैंकों पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें मूडीज का कहना है पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक आइंदा 18 माह तक मुस्तहकम रहेगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है पाकिस्तानी बैंकों ने बड़ी मकदार में हुकूमती बॉन्ड्स में सरमायाकारी कर रखी है। पाकिस्तानी बैंकों में ऑपरेटिंग कंडीशंस बेहतर हो रही हैं और पाकिस्तानी बैंकों में मौजूद सरमाए की सूरत हाल भी बेहतर है। पाकिस्तानी बैंकों के मुनाफा में इजाफा मतवक्का है, तहम ये माजी के मुनाफा से कम होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं, कराची को तबाह कर दिया गया है, कब्रिस्तान तक गायब कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल और जनरल चीफ सेक्रेटरी से कहा, क्या शहर में गैर कानूनी तामीरात ख़त्म हो गई? पार्कों और खेल के मैदानों की क्या सूरत हाल है? क्या आर्टिकल 140 सिंध में लागू नहीं होता? बल्दियात को फाल क्यों नहीं कर रहे? बल्दियाती निज़ाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में शहर में पार्कों पर कब्जों, रहायशी प्लाट्स के तजारती इस्तेमाल और तजावजात के खिलाफ साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान समेत मुख्तलिफ समाजी कारकुनान की दरख्वास्तों की समाअत की। तालीम के मैदान से अहम खबर शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान भर के तालीमी बोर्ड पर मुश्तमिल इदारे इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC की सरबराही निजी तालीमी बोर्ड आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड कराची के हवाले कर दी। वफाकी वजारत तालीम व पेशा वाराना तरबियत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जानिब से इस तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। IBCC हुकूमत पाकिस्तान का वो मजाज इदारा है जिसे ए और ओ लेवल समेत दीगर गैर मुल्की तालीमी बोर्ड्स की असनाद को मसावी करार देने या उसे मसरत करने का इख्तियार हासिल है। रेलवे मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट को रवां साल 2020 में शुरू करने का खत्मी फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के सदर रेलवे मेन लाइन 1 मेगा प्रोजेक्ट का रवां साल की तीसरी समाही में संगे बुनियाद रखेंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट की इस प्रोसेस शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान रेलवे का गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से 1,15,000 रिकॉर्ड मुलाजमतें भी पैदा होंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कराची ता पेशावर 1872 किलोमीटर नया डबल ट्रैक बिछाया जाएगा, जिस पर बुलेट ट्रेन भी चल सकेगी। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान रेलवे के 2800 फाटक ख़त्म होंगे। 13,000 छोटे बड़े रेलवे पुल भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने राबता पर तस्दीक करते हुए बताया, चीन से ख़त्मी माहिदा तय पा चुका है। ट्रैक के दोनों तरफ जंगले लगाए जाएंगे। फाटक क्रॉसिंग मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी। गुजरगाहों के लिए जेर ज़मीन रास्ते बनेंगे, जबकि हवेलियाँ स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अदाकार इमरान अशरफ ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली शादीशुदा जोड़े असद और निमरा की उम्र पर इतराज़ करने वालों को जवाब देते हुए कहा, निकाह किया है, मुबारकबाद दें, तनकीद ना करें। दोनों ने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लेते हुए 18 साल की उम्र में शादी की है, तहम सोशल मीडिया पर दोनों की 18 साल की उम्र में शादी के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है इस उम्र में उन्हें शादी के झंझट में पड़ने के बजाय अपने कैरियर और तालीम पर तवज्जो देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और तबसरे जानने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.theasiatodaynews.com। हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए एशिया टुडे न्यूज़।